धनारी थाना क्षेत्र के गांव कृतिया में पकड़े गए पोस्ट आहार के 20 कट्टे कट्टों को जब्त कर एसडीएम गुन्नौर प्रतिपाल सिंह ने गांव के ही राशन डीलर धरपाल सिंह के सुपुर्द किया। एसडीएम गुन्नौर प्रतिपाल सिंह को सूचना मिली कि कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पोस्ट आहार को ब्लैक करने के लिए ले जा रही है, तो एसडीएम गुन्नौर प्रतिपाल सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि 20 कट्टे पोस्ट आहार के गांव कृतिया के डॉक्टर प्रमोद शर्मा की दुकान में रखे मिले। पूछे जाने पर पता चला कि दोनों आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कृतिया के प्रमोद शर्मा की पत्नी है, जो कि एक लोहामई गांव में तैनात है और दूसरी पत्नी गांव जडवार में तैनात है। तो उनके पति ने बताया कि जिस सवारी द्वारा पोस्ट आहार के कट्टे लाए जा रहे थे, वह सवारी खराब हो जाने के कारण ये कट्टे हमने अपने घर पर रख लिए, जिस पर एसडीएम गुन्नौर ने कट्टों को जब्त कर गाँव के ही राशन डीलर के सुपुर्द कर दिए। और एसडीएम ने बताया कि इस मामले में जांच की जाएगी, अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला मेरे संज्ञान में है। भी दो आंगनबाड़ियां मुझे फोन की कि ग्राम कृतिया में 20 कट्टे किसी के घर में ले जाके उतारे गए हैं। तो इस शिकायत को ध्यान में रखते हुए हम लोग गाँव में पहुँचे हैं और यहाँ पे एक डॉक्टर प्रमोद कुमार हैं, जो कि ग्राम प्रधान हैं, उनके घर में 20 कट्टे बरामद हुए हैं और इन कट्टों को जब्त कर लिया गया है। आगे इनकी जांच की जाएगी, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई। ये आंगनबाड़ियाँ, अभी इनसे बात हुई तो ये बता रहे हैं कि एक जड़वार में तैनात है और दूसरी लोहामई में तैनात। यही जांच का विषय है कि आखिर जड़वार और लोहामई, जो कि विपरीत दिशा में है, आखिर यहाँ पे ये कट्टे कैसे आए।